ज़्यादा खुश हूँ कोई शब्द नहीं है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मुझे इतना बड़ा मिला सम्मान, इसके लिए मैं सोच नहीं सकता था। अपने सभी शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुबह कब पता चला और इसके बाद? भोर में ही हमारे सभी लोग हमको, मैं मतलब सोया हुआ था हल्का लगभग, तभी से फोन आना स्टार्ट हुआ कि आप प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव को बनाए गए। हमारे साथ संजय सोनकर जी हैं। संजय सोनकर वो है जो चार जो प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नामांकन करेंगे उस वक्त ये भी रहेंगे। आपको, आप नामांकन के वक्त उनके प्रस्तावक होंगे, मन में क्या है? बहुत ज़्यादा खुश हूँ कोई शब्द नहीं है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मुझे इतना बड़ा मिला सम्मान, इसके लिए मैं सोच नहीं सकता था। अपने सभी शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुबह कब पता चला और इसके बाद? भोर में ही हमारे सभी लोग हमको, मैं मतलब सोया हुआ था हल्का लगभग, तभी से फोन आना स्टार्ट हुआ कि आप प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव बनाए गए। तो आप पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ, और पार्टी के भीतर लंबे समय से काम करें, जो दलित समाज से भी आप आते हैं, तो जो दलित जोड़ने की बात, सबको जोड़ने की बात प्रधानमंत्री करते हैं, तो क्या ये समाज, आप जैसे नामांकन में रहेंगे एक प्रस्तावक के तौर पर, तो उसका असर भी पड़ेगा समाज पर? हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, चाहे वो कोविड काल का समय रहा हो, चाहे ये दौर चल रहा हो, उस दौर में भी प्रधानमंत्री जी सबके साथ सबका विकास की बात करते चले आ रहे हैं और सबके लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सामान्य हो। तो बहुत जल्दी आप पहुंच गए, नामांकन 11:40 के लगभग का टाइम है। हमको सूचना मिली कि आपको 9 बजे आना है, तो इसलिए हम 9 बजे चले आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और हर हर महादेव के साथ। और एक खुशी मन से, उन्होंने कहा कि शब्द नहीं है जो मौका मिला है प्रधानमंत्री का प्रस्तावक बनने के लिए। तो ये संजय सोनकर थे जो कि प्रस्तावक के तौर पर यहाँ पहुंच चुके हैं कलेक्ट्रेट, और वो प्रस्तावक भी बनेंगे जब वो नामांकन करेंगे, उनके साथ भी मौजूद रहेंगे। कैम पंकज के साथ अमित कुमार, टाइम्स ऑफ नव भारत, वाराणसी।